हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट्सएप में बिना ब्लूटूथ के मैसेज को कैसे पढ़ते हैं या फिर व्हाट्सएप में बिना लास्ट सीन को चेंज किए मैसेज को कैसे पढ़ते हैं। मैं आपको बिल्कुल नया और आसान तरीका बताऊंगी जिसकी मदद से आप भी किसी का भी मैसेज पढ़ सकते हैं, वो भी बिना ब्लूटूथ के और बिना लास्ट सीन चेंज किए हुए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में एक छोटी सी ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम क्या है और कहां से डाउनलोड करना है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। पहले हम जानेंगे कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। अब आपको यहां नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है, फिर आपको यहां फिनिश पे क्लिक करना है। अब आपको यहां ये दोनों ही परमिशन को अलाउ कर देना है। तो चलिए यहां से मैं परमिशन को अलाउ कर देती हूं। पहले आपको यहां इस बॉक्स में टिक कर देना है, फिर आपको इस परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद आपको यहाँ डन पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ नोटिफिकेशन का परमिशन को अलाउ कर देना है। फिर यह ऐप ओपन हो जाएगा। अब आपको इस ऐप को बंद कर देना है। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जब भी कोई पर्सन आपको मैसेज करेगा तो आपको यहाँ अपने फ़ोन में एक बबल दिखाई देगा जिसमें मैसेज करने वाले की DP भी दिखाई देगी। जब आप इस बबल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उस पर्सन का चैट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं उसकी चैट को पढ़ सकती हूँ इस ऐप में, और उस पर्सन को ब्लू टिक दिखाई नहीं देगा और उसे मेरा पहले ही वाला लास्ट सीन दिखाई देगा, क्योंकि मेरा लास्ट सीन चेंज नहीं होगा और ना ही उसे मैं ऑनलाइन दिखाई दूंगी। इस तरह से दोस्तों कोई भी पर्सन आपको मैसेज करता है तो आप उसके सारे मैसेज को पढ़ सकते हैं बिना ऑनलाइन आए हुए और बिना ब्लू टिक लगे हुए। अगर दोस्तों कोई दूसरा भी पर्सन आपको मैसेज करेगा तो ठीक इसी तरह से आपका उसका भी मैसेज देख सकते हैं और उसके सारे चैट को पढ़ सकते हैं और उसे आप यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिप्लाई करने पे क्या होगा, उस मैसेज पे ब्लू टिक तो लग जाएगा लेकिन जो दूसरे पर्सन ने आपको मैसेज की होगी उसे दोस्तों पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं, क्योंकि आपका लास्ट सीन ना चेंज होगा ना ही आप उसे ऑनलाइन दिखाई देंगे। इस तरह से दोस्तों आप इस ऐप की मदद से बिना ऑनलाइन आए हुए किसी भी पर्सन या फिर व्यक्ति से चैट कर सकते हैं। अगर आप इस बबल चैट को अपने स्क्रीन से हटाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसे हटा भी सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये देखना चाहते हैं कि आपको किस किस पर्सन ने मैसेज किया है तो आप यहाँ अपने चैट हिस्ट्री को भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चैट हिस्ट्री, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों उस सभी पर्सन का आपको चैट हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप चैट हिस्ट्री को ओपन करके भी देख सकते हैं किसने क्या क्या मैसेज किया है। अगर आप बबल चैट को बंद करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक सेटिंग मिलेगी व्हाट्स बबल करके, तो आपको इस सेटिंग को ऑफ कर देना है तो फिर बबल चैट आपकी बंद हो जाएगी। आप चाहे तो आप यहाँ सेटिंग में जाकर अपने सेटिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बता देती हूँ कि ये कौन सी ऐप है। तो इस ऐप का नाम है WA बबल फॉर चैट। तो इस ऐप का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था व्हाट्सएप में बिना ऑनलाइन आए हुए और बिना ब्लू टिक के चैट को पढ़ने का सिंपल सा प्रोसेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको फ्यूचर में मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।